मुझको बता। वापस आ गई है वो। अब क्या लेने आई? तेवर बता रहे हैं उसके सब कुछ जान चुकी है वो। वैसे मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कराऊं? आपका नाश्ता बनाकर मैंने रख दिया है, कर ले। नाइस, थैंक यू। वेलकम। सोनी क्या? सोनिया? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। शाजिया, कुछ कहा? हाँ? सोनिया, तुम रोना बंद करो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन है ना? है ना अल्लाह पे यकीन? अल्लाह मदद करेगा हमारी। अल्लाह जरूर करेगा हमारी मदद। अच्छा जी, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बताइए। जी, अगर आप हमारे साथ चलते तो। लेकिन जरा बार बार बोल के आप शर्मिंदा मुझे मारते रहे, क्योंकि अगर मुझे जाना होता तो मैं पहली दफा आपको ना लेगी। जी बेहतर, चले। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। मुझे बाबा जी की बताएं, वो मान गए नहाने के लिए, वो हमारे घर आएंगे ना? बाबा जी नहीं माने। नोट बेटा, इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। कौन है उसके पीछे कुछ नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई है उसके पीछे। तो लगाओ पता, कौन है उसके पीछे, कौन है जो उसको सिखा रहा है। क्यों, तुम कुछ नहीं करोगे क्या? मैं? तुमने अपने महबूब को पाना था, पा लिया, यही तय हुआ था ना हमारे बीच। अच्छी तरह जानती हूं मैं कि तुम क्या चाहते हो। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो तुम चाहते हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी, समझे? सोच लो, जो मौकिल मेरे कहने से तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं, वो मेरे कहने से वापस भी लौट सकते हैं। तू
चाय। अरे आपने तकल्लुफ क्यों किया? मैं रोजाना आपके लिए चाय बनाऊंगी, तो क्या आप रोजाना यही कहा करेंगे? और कुछ चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू। आप शाजी, मुझे उनसे बात करनी थी। कैसी बात? शाजी, मैं चाह रहा था कि तुम अब अरसिम से बात कर लो। क्या बता दूं अरसिम को? यही कि तुमने उससे शादी इसलिए की थी कि तुम उसे डाइवोर्स करके मुझसे दोबारा शादी कर सको। उसे उसे बोलो कि जल्द से जल्द तुम्हें डाइवोर्स देते हो। ठीक है, मैं बात करती। और वो क्या बातें हो रही हैं? आप वो मैं शाजिया से कह रहा था कि पुपो मुझे बुला रही है। हाँ, मम्मी बुला रही है। मैं आती। मुझे पता आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, लेकिन आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम्हें इतनी लंबी तमीज बांधने की जरूरत पड़ी है? वो शहरयार भाई अपनी डेथ से पहले मुझे कुछ बताना चाहते थे। मुझे बताना चाहते थे कि इस घर में जितनी भी मुसीबतें हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। मैं बाबा के साथ उनसे मिलने तो गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी। तब तक शहरयार भाई ने मुझे बताया इस घर में जितनी भी मुसीबतें आई, किसकी वजह से आई, मेरे रिश्ते में जितने भी मसले हुए, सोनिया की बीमारी, सारंग भाई की तलाक, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। इस घर में जितनी भी मुसीबतें आई हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे शाजिया का हाथ है। लेकिन वो ये सब क्यों करवाना चाहती थी? क्योंकि अम्मी वो अरसिम से शादी करना चाहती है पहले दिन से। तुम्हें इससे भोंडा झूठ नहीं मिला अरसिम को पाने के लिए? तुम इसी वजह से आई थी ना इस घर में? नहीं, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, आप मेरी बात का यकीन करें। शहरयार भाई ने मुझे ये सब कुछ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू बताया। और कहाँ है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग? वो तो लेट कर दी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? एक मरे हुए शख्स को इस्तेमाल कर रही हो तुम। देखो, तुमने पहले भी शाजिया पे इल्जाम लगाया था, जबकि तुमने वो चाकू खुद से अपने सामान में रखा था। नहीं। और अब अगर तुम्हें इतनी ही अरसिम के साथ मोहब्बत थी ना, तो अपनी जमानत के फौरन बाद यहाँ पर होती तुम। जब अब शादी हो गई है शाजिया और अरसिम की, तो तुम बगैर कुछ कहे सुने यहाँ पर आकर रहने लग गई हो। और तो और तुम मुझे शाजिया के खिलाफ कर रही हो, तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम अपने घर जाओ। मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे ऐसी नजर आती है वैसी नहीं है। बेटा तुम अपने घर जाओ।
तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। जाओ 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 तुम यहाँ से बस। पहले भी आपके वालदैन को मना कर चुका हूँ कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। चाहे एक और जान चली जाए, रिश्ते बिखरते हैं तो बिखर जाएं, घर टूटते हैं तो टूट जाएं, लोग मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन आप रस्से मस नहीं होंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझने की कोशिश करें, मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। पहले भी एक घर को बचाने के लिए निकला था, घर तो बच गया लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मान भी ले कि अगर मैं आपके साथ चला जाता हूं, मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, मेरा ध्यान भटकेगा। लेकिन देखिए, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखिए, अगर आप एक भी जान बचा लेंगे तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अगर मुमकिन होता तो मैं पहले ही मान जाता आप लोगों के साथ आ जाता। आप प्लीज मेरे साथ चलें, मैं प्लीज आपके हाथ छोड़ती हूँ, आप मेरे साथ चलें। सुनैना ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया मुझे, मगर मैंने उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। सोनिया भी कहती रही, मैंने उसकी बात भी नहीं मानी। और हुमा ने जो नाहिद के जनाजे पर कहा, मैंने तो उसकी बात का भी यकीन नहीं किया। शहरयार भी कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे तुमने चुप करा दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर कोई तुम्हारे बारे में बात क्यों करता है? क्यों कहते हैं कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम ये करती हो वो करती हो, क्यों शाजिया? मैं क्या कह सकती हूँ, क्या कहूँ मैं, मुझे बताएं। आपको क्या लगता है आप क्या कहेंगे? अरसिम की कसम खाओ और कहो कि ये जो सब कुछ कहा जाता है तुम्हारे बारे में, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हारा हाथ नहीं है इन सब के पीछे। इतनी छोटी सी बात पे कसम कैसे कोई खा सकता है पुपो? इतनी छोटी सी बात है, उस पे आप अरसिम को बीच में ले आई। शाजिया, अगर ये जरा सी बात है तो तुम कसम क्यों नहीं खा लेती? इतनी सी बात पे कोई कसम कैसी बात है? तुम क्यों कसम नहीं खा लेती अरसिम की और कहोगी ये सब कुछ सच नहीं है? शाजिया, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। शाजिया, मैंने कहा ना कुछ नहीं किया, समझ नहीं आता? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बाबा जी मुल्तान से लेकर आए हैं। आंटी को बताया था मैंने इनके बारे में, घर में जो भी असरात हो रहे उनको दूर करेंगे।
आंटी कहाँ हैं? वो कमरे में। बैठे, मैं बुलाती हूँ। यही थी ना शादी? यही थी। वो लड़की कहाँ है जिसे उसका शौहर मेरे पास लाने का बोल रहा था? वो सोनी आपकी है, उनका कमरा सामने है। मैं अभी आई मिल बातती हूँ। नहीं, पहले किसी घर के फर्द को आने दो, फिर मैं उनसे इजाजत लूंगा, उसके बाद ही अंदर जाएंगे। लेकिन बाबा जी, मैं भी तो इसी घर की फर्द हूँ ना। ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारी हैसियत को तस्लीम नहीं किया घर वालों ने, और तुम्हारे आने से जो है वो लोग दिली तौर पे खुश नहीं। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पे कोई जो है उल्टा सीधा इल्जाम लगा दे। बैठ जी। जी कहिए। हेलो अर्सन, कहाँ पर हो तुम? क्या बात है, परेशान क्यों? हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम जल्दी से घर आ सकते हो प्लीज? हुआ क्या है? सुनैना अपने साथ किसी को लेकर आ गई है, पता नहीं कौन है वो और कहाँ से आया, उसने पता नहीं ऐसा क्या किया, वो बेहोश हो गई है। क्या? हाँ मैंने उसे बहुत मना भी किया कि तुम्हें जो करना है तुम थोड़ी देर रुक जाओ, सारे मियां अरसिम को किसी को आने दो, उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो। लेकिन उसने कहा कि उसे वो वही करेगी जो उसे करना है, वो उसे मेरी बात नहीं सुनी और उसने ये सब, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। अच्छा मैं बस निकल रहा हूँ। तुम शाजिया, पुप्पो कहाँ है? पता नहीं। सुनैना पूछ रही है, वो किसी को लेकर आई है, उनसे मिलवाना है उसे। तो वो अपने कमरे में होंगी ना, वहां देखो। कमरे में नहीं है वो, मैं देखकर आ रही हूँ। अच्छा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ? नहीं वो बस सुनैना को कहो कि वो घर पर नहीं है फूफो, जब आएगी तो मिलवा दे। ऐसे कैसे कह दूं, मैंने उन्हें खुद तुम्हारे कमरे की तरफ आते हुए देखा है। सच सच बताओ मुझे, फूफो कहाँ है? मुझे नहीं पता। और मैं झूठ बोलूंगी क्या तुमसे? लग तो यही रहा है, कहाँ है फूफो? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। और जाओ यहां से, अभी तंग मत करो, बाद में आना। शाजिया, पप्पू, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, चुप। क्या किया तुमने इनके साथ? कुछ नहीं किया है मैंने, ये बस बेहोश हो गई है। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा यकीन करो। तेरी बात सुन, अपना मुंह बंद रखना, तुम्हें अम्मी की कसम है, तुम चुप रहो। अरे ये तो बताओ कि तुमने किया क्या है इनके साथ? कुछ नहीं किया है।
कुछ नहीं किया मैंने, बस बस ये बेहोश हो गई है। अरसिम को फोन कर दिया है मैंने, वो रास्ते में है, आ रहा है, वो इन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, ये ठीक है। अगर यकीन नहीं है ना तुम्हें, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो नब्ज चेक कर, करो चेक, तुम्हें पता चल जाए। हाँ यकीन हुआ, ये ठीक है ना, उठ बाबू, बाबा आ जाओ, और सुनो, और जब तक कि मैं ना कहूँ ना, वापस अंदर मत आना और चुप रहना। बाबा जी पता नहीं मुझे क्यों लगता है शाजिया ऐसी साजिश जरूर करेगी कि वो हमें अम्मी से मिलने नहीं देगी। आप प्लीज तब तक सोनिया को देखें, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप बस उसे एक नजर देखें, फिर जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। चलो ठीक है, चल के देख लेते आए। चल जी, कहो। सुनैना पता नहीं किसे उठा कर ले आई है, और तो और मेरी सास को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ कुछ करो, कुछ कुछ भी करो, मेरी मदद करो। हाँ हम तो हर किस्म की मदद करने को तैयार हैं, बस एक तुम ही हो जो हमारी बात नहीं मान रहे। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, जैसा कहोगे वैसा होगा, लेकिन इस वक्त मेरी मदद करो। सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन इस वक्त जो मैं कह रही हूँ वो करो। देखो घबराना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना, मैं कुछ करता हूँ, बस इस वक्त तुम घर से निकल जाओ। घर से निकल जाऊँ? दिमाग खराब है क्या? अरे मैंने अरसिब को फोन करके बुला लिया यहाँ, अगर मैं चली गई और अगर मेरी सास ने होश में आके सब कुछ बता दिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैं नहीं आ सकती, तुम्हें जो करना है तुम करो वो वहीं से। अच्छा ठीक है, तुम घर पर ही रहो, बस अपनी सास को होश में मत आने देना, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन जल्दी करना। अब कुछ करना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। पुप्पो पुप्पो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर अरसिम ने इन्हें यहाँ पड़ा देख लिया तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। उसके आने से पहले इन्हें इस कमरे से बाहर निकाल देती हूँ।
सोनिया मैं बाबा जी को तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। तुम ठीक हो जाओगे। आप ठीक है ना? इलाज जो है यहाँ मुमकिन नहीं है। हर पल जादू का वार हो रहा है। इलाज इस सूरत में है कि बस इसको यहाँ से ले जाया जाए, और वो भी उस वक्त जब इसके घर वाले इसकी किसी की इजाजत दें इसको जाने की। हम इसे कैसे लेके जाएंगे? कोई नहीं लेके जाने देगा इसे। इसके बगैर नामुमकिन है। शाजिया, क्या हो गया आपको? पुप्पो आंखें खोले। पुप्पो अरसिम देखो, पुप्पो को क्या हो गया? करती अम्मी के साथ। अम्मी क्या हो गया आपको? या अल्लाह, आंटी अरसिम देखो, इन दोनों की वजह से पुप्पो का क्या हाल हुआ है? झूठ मत बोलो आंटी। खबरदार जो अम्मी को हाथ लगाया तो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो। अभी इसी वक्त इनको लेकर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। अरसे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करो आंटी। मत हाथ लगा अम्मी को। अरसे मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। इनको लेकर अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे शाजिया का हाथ है। जादूगरनी है ये, जादूगरनी, काला जादू करती है ये। सोनिया की बीमारी के पीछे, इसकी अपनी सारम भाई से तलाक के पीछे इसका ही हाथ है, मेरी बात का यकीन करो। सुनैना, अगर तुम अभी यहां से नहीं गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। चलो सुनैना बेटा, चले। अर्जुन चलो बेटा, आज सुनैना चले। उठा बेटा, उठा, चले उठे। तक ऐसे घूमते रहोगे, थक जाओगे, थोड़ी देर बैठ जाओ। किसी चैन से बैठ सकता हूँ? जब तक अम्मी को होश नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठ सकता। Excuse me,
आपके पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं एंड हो सकता है आज हम उन्हें डिस्चार्ज कर दें। थैंक यू डॉक्टर। सारे भाई को सुनो। हेलो डरना नहीं है अब आपने, हाँ मैं हूं ना आपके साथ, लेकिन जब तक आप किसी को कुछ बताएंगी नहीं। आज एक बात बताती हूँ, हाँ मैं जादू करती हूँ, करती हूँ मैं जादू। सबा, शहरियार, सोनिया, सुनैना, ये सब लोग सच्चे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ और ना ही मेरी मोहब्बत गलत है। बहुत मोहब्बत करती हूं मैं उससे, पता है किससे? जानती है? नहीं ना, पूछेंगे नहीं किससे? पूछे? मैं आपको बताती अरसिम से। आपका बेटा अरसिम। अरसिम से मैं बहुत मोहब्बत करती हूं, अभी से नहीं, तब से नहीं जब सारे मुझे दुल्हन बना के आपके घर लेकर आया था, बल्कि तब से जब हम इकट्ठे खेला करते थे, मैं, सबा, सारिम और अरसिम बचपन में साथ खेलते थे, जबकि ये बात अरसिम को भी नहीं पता। लेकिन मैं रात को छुप छुप के उसके साथ रहने के ख्वाब देखा करती थी मैं, और तब ये बात अरसिम को भी नहीं पता थी, कभी मैंने बताई ही नहीं। पता है क्या, अम्मी को बहुत कहा मैंने, मैं अरसिम से मोहब्बत करती हूँ, सारिम से नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी और मेरी सारिम से शादी करवा दी। इसलिए मजबूरन मैं, मुझे वो सब करना पड़ा जो मैं नहीं चाहती थी करना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अब अरसिम पर सिर्फ मेरा हक, सिर्फ मेरा, ना सुनैना का और ना आपका, किसी का भी नहीं। और हाँ, ये सब मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया कि आप घर जाके ढंडोरा पीटना शुरू कर दें, ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आप समझ सकें
कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। अगर मुझे मेरे अरसिम से दूर करने का सोचा या मुझे घर से निकलवाया तो तुम्हारी बची कुची सांसें भी ना छीन लूंगी मैं। सोनिया का हाल याद है ना? याद है कि नहीं? हाँ या ना? बस वो याद रखना। और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताएंगे तो नहीं ना? हाँ, क्या बोल रही हूँ मैं? बोलो मुंह से। अब मैं जा रही हूँ बाहर, और बाकी सबको क्या कहना है याद है ना? या याद दिलाऊं? दिखता खुदा भी ना मेरे।